सर्च कीजिए हमारा चैनल अभिजीत शर्मा ट्यूटोरियल्स एंड संगीत से जुड़ी सभी बातें जानने एंड सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू दोस्तों। एक बहुत ही प्यारी सी कंपोजिशन रिलीज हुई है सोनू के टीटू की स्वीटी मूवी से एंड जो सॉन्ग का नाम है तेरा यार हूँ मैं। तो देखते हैं इस सॉन्ग को हम लोग कैसे गाएंगे, जो कि गाया है अगेन मिस्टर अरिजीत सिंह जी ने एंड प्यारी बहुत प्यारी सी कंपोजिशन है फ्रॉम रोचक कोहली जी, जो कि नए कंपोजर हैं जो बहुत अच्छा कंपोज करते हैं आजकल सॉन्ग्स को। ठीक है, उनके काफ़ी सारे ट्यून को मैंने सुना, काफ़ी अच्छे थे, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो आइए देखने थे इस सॉन्ग को आपको कैसे गाना है। दोस्तों सॉन्ग पूरा एक मतलब आप फ्रेंड को, किसी भी फ्रेंड को डेडिकेट करना चाहते हो देन ये सॉन्ग है काफ़ी आप लोगों के लिए परफेक्ट है एंड इसके लिरिक्स कंपोजिशंस काफ़ी कमाल के हैं। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे गाएंगे हम लोग। ठीक है, ये सॉन्ग एक्चुअली गाइस ए शार्प मेजर स्केल पे है। ठीक है, तो अभी मैं आप एक कॉर्ड बजा रहा हूँ एंड अभी अब मैं गाऊंगा एंड आपको उसकी डिटेल्स बताऊंगा एंड आपको इस क्या करना, आप अगर सिंपली इसका प्रैक्टिस करना चाहते हो घर पे तो आप तानपुरा ड्रॉइड की एप्लीकेशन खोलना एंड वहाँ पे आप ए शार्प पिच पे सेलेक्ट कर लेना, बाकी सब सेम रहने दे, कुछ भी उसको ना करे, पिच में सिर्फ ए शार्प मेजर होना चाहिए। ठीक है, मतलब ए शार्प। ठीक है, एंड इसकी मूड थोड़ी आप फ्रेंड को अगर डेडिकेट करना चाहते हो थोड़ी सैड वाली इसमें टच आई हुई, सैड वाली टच फ्रेंडशिप के ऊपर है, थोड़ी सैड वाली टच है। ठीक है, तो स्टार्टिंग होता है यहाँ से। एंड दोस्तों और एक दो तीन बातें आपको माइंड में रखनी होगी कि इसमें फॉल्सेटो का यूज हुआ है। फॉल्सेटो के बारे में मैं नेक्स्ट लेसन में बता दूंगा आपको कि ये फॉल्सेटो होता क्या है एंड इसमें आपको थोड़ा इसका जो फील है आपको फील बरकरार रहना, फील से हटना नहीं है सॉन्ग में। ठीक है, अभी मेरे बैकग्राउंड में तानपुरा बज रहा है। ठीक है, एंड ओके सो लेट्स स्टार्ट। हमिंग करेंगे थोड़ा। ये सॉन्ग को अरिजीत सिंह जी ने बहुत ही प्यार से गाया है, इतना मतलब वो कोई भी सॉन्ग को लेते हैं तो बड़ा प्यार से ही गाते हैं, इसलिए वो अभी तक इतना अच्छा मार्केट में टिके हुए चल रहे हैं। बहुत प्यारी प्यारी वो मतलब बहुत अच्छा गाते हैं, उन्हें म्यूजिक का बहुत ही ज्यादा सेंस है। ठीक है, तो अपने जिस टाइप का उन्हें फील मिलता है, जिस टाइप का सॉन्ग मिलता है उस टाइप का वो अपनी वोकल को ढाल लेते हैं। ठीक है, चाहे वो एनर्जेटिक हो, चाहे वो डांस हो, डांस आइटम हो, चाहे वो मतलब डेडिकेशन वाली डेडिकेटेड सॉन्ग हो, किसी को डेडिकेट करना हो या फिर रोमांटिक सॉन्ग हो, सॉफ्ट टच कुछ भी हो आप वो कर लेते हैं। ठीक है, हमिंग लेंगे थोड़ा। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, थोड़ा हल्की सी विब्रेटो आपको लगानी, ज्यादा विब्रेटो नहीं लगाना है, हंसेगा। ठीक है, तू जो रूठा थोड़ा हस्कीनेस एयर छोड़ते हुए आपको गाना है, स्टार्टिंग से ही एयर छोड़ते हुए गाना, हस्कीनेस वाली फीलिंग टच के साथ गाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे नहीं तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, ऐसे नहीं गाना आपको। ठीक है, तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, ठीक है, हंसेगा। ठीक है, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, ठीक है, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। ठीक है, तू चुप है तो ये डर लगता है, पहली लाइन जैसा, तू चुप है तो ये डर लगता है, विब्रेटो। ठीक है, हल्की सी विब्रेटो। अपना मुझको अब कौन कहेगा, बहुत ही प्यार से यहाँ पे कौन पे थोड़ा प्यार जाता ना आपको, अपना मुझको अब कौन कहेगा, मतलब कौन कहेगा अपना मुझको। ठीक है, ये थोड़ा मतलब फ्रेंड के ऊपर डेडिकेटेड है, बहुत ही अच्छा, वीडियो देख लो एक बार, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, अगर आप सॉन्ग नहीं सुने तो प्लीज सुनना। ठीक है, तो क्या था, तू चुप है तो ये सब चीज़ आप करने की कोशिश करो तब आप इम्प्रूवमेंट्स कर पाओगे। ठीक है, इम्प्रोवाइजेशन कर पाओगे वोकल में। तू चुप है तो ये सॉन्ग में प्लान लिया हुआ है, आप ये करना, तू चुप है तो ये डर लगता है। ठीक है, अपना मुझको अब कौन कहेगा। ठीक है, तू ही वजह तेरे बिना, तू ही वजह जा तेरे बिना, बेवजह जंपिंग नोट, बेवजह जा बेकार हूं मैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है,
सुना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं। ठीक है, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। ठीक है, वो तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार, तेरा हस्कीनेस वॉइस छोड़ते हुए, तेरा यार हूँ मैं। वो ये नहीं है बट ये आप करना, अरिजीत सिंह जी का स्टाइल है ये। ये सब स्टाइल अरिजीत सिंह जी का, ये आप इतना मत करना, मैं बता रहा था आपको। ठीक है, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मुर्की हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। ठीक है, ये सब इम्प्रोवाइजेशन करना आप। देखो दोस्तों, ये हमेशा ये नहीं होता कि जैसा आप सॉन्ग को सुन रहे हो वैसा ही आप पूरा गा दो, थोड़ी इम्प्रोवाइज करके गाने से आप बहुत ही कुछ सीख पाओगे। ठीक है, उसके बाद होता है फॉल्सेटो आया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको अगर हम ये बोलते हैं इसको हेड वॉइस से गाना, हेड वॉइस से। ठीक है, चेस्ट वॉइस से अगर इसको गाएं तो काफी ओपनली एंड लाउड जाएगा। देखो आप कैसे हो रहा है। ठीक है, इसको अगर फॉल्सेटो में करते हैं तो फॉल्सेटो करने का टेक्निक मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेसन में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, बजा बेकार हूँ मैं, जब नो तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। उसके बाद होता है जाता नहीं हूं मैं, ये लाइन आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने पुराने मीड। ठीक है, जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने, किसी नए के। ठीक है, इतना तक क्लियर है, सॉरी। तो ये क्या था, किसी नए के। ठीक है, किसी नए के, किसी नए के आ जाने से। ये क्या हो रहा है, आ जाने से। ठीक है, जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे, बहुत ही फील। जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे। ठीक है, एक फ्रेंड से अलग हो रहे हैं तो अगर जा रहा है तो बोल रहा है कि मुझे जाने दे भाई। ठीक है, बहुत ही फील, मतलब आप किसी भी फ्रेंड को याद करके किसी को डेडिकेट करना चाहो तो बहुत ही लवली सॉन्ग है ये आपके डेडिकेट करने लायक। ठीक है, जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे, क्यों परेशान है, क्यों परेशान है, क्यों क्यों परेशान भाई, क्यों परेशान है। ठीक है, मेरे जाने से। ठीक है, मेरे जाने से जंपिंग नो डायरेक्ट। और एक बार गा देता हूँ। जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने, किसी नए के आ जाने से,
जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे, क्यों परेशान है मेरे जाने से। ठीक है गाइस, इतना तो क्लियर है। तो इसके बाद आता है वो लाइन, टूटा है तो जुड़ा है क्यों। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा फोर्सफुली गाना है एंड एक गुस्सा वाला फील दिखाना है कि टूटा है तो जुड़ा है क्यों, मेरी तरफ तू मुड़ा है क्यों। ठीक है, ये लिरिक्स होती है। तो ये क्या हो रहा है, टूटा है तो जुड़ा है क्यों, मेरी तरफ तू मुड़ा है क्यों। ये क्या हो रहा है, टूटा है तो जुड़ा है क्यों, क्यों मेरी तरफ तू मुड़ा है क्यों। मतलब जाने भी नहीं दे रहा एंड मेरी तरफ मुड़ा है क्यों, मुड़ा यार हमको जाने दो। ठीक है, ये एक्चुअली इस सॉन्ग का वो है, थीम है, एक फ्रेंड को मनाना अब जो कि रूट कैप से जा रहा है। ठीक है, हक नहीं तू ये कहे कि यार अब हम ना रहे, ये लाइन हो रहा है, हक नहीं के। ठीक है, हक नहीं तू ये कहे कि यार अब हम ना रहे, एक तेरी, फिर वही आता है एक तेरी, मतलब ये लाइन जो हो रहा है। ठीक है, तो ही वजह लाइन सेम ट्यून आएगा एक तरी पे। ठीक है, इतना तक आई होप क्लियर था आपका। टूटा है तो जुड़ा है क्यों, मेरी तरफ तू मुड़ा है क्यों, ये सब लाइन का वो थोड़ा गाना है, थोड़ा फोर्सफुल यहाँ पे गुस्सा दिखाते हुए गाना। ठीक है, हक नहीं तू ये कहे कि यार अब हम ना रहे, एक तेरी यारी का ही, एक ते री यारी काही, सातो जन्म हकदार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, वो तेरा यार हूँ मैं। ठीक है, सिंपल था ये। एक तेरी यारी का ही, सातो जन्म हकदार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। फिर से वही सेम ट्यून आ जाता है, तेरा यार हूँ मैं, ओ, तेरा यार हूँ, तेरा यार हस्किनेस, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, नहीं ऐसे नहीं, तेरा यार हूँ मैं। एयर छोड़ते हुए, ठीक है, फील आती है इससे, ये करने से आपकी वॉइस में फील आएगी। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की हमारी लेसन। आई होप ये लेसन आप लोगों को पसंद आया हो एंड आप सभी के ट्यूटोरियल्स जो आप पेंडिंग थे सब मैं कर रहा हूँ, आई होप जल्दी से आपको मिल जाएंगे। तो आई होप ये मेरा एफर्ट आप लोगों को अगर पसंद आता है तो देन प्लीज आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करे रखें एंड काफ़ी सारे अच्छे अच्छे लेसन ट्यूटोरियल्स मैं लाते रहूँगा। तो ये वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। अपना रियाज करें अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछना जरूर। एंड दोस्तों मेरे मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एंड मेरे फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मतलब ठीक नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से एक बार देख लेना जरूर। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अच्छे से रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें एंड अपना रियाज करते रहें। थैंक यू।